मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन भिवांडेश्वर, जहाँ पर हमारा शिव पूजा होगी। ऑलरेडी रानीखेत में हमारा 2 दिन का फंक्शन हो चुका है जो अखंड रामायण का। सो अब हम जा रहे हैं अपने होम टाउन में, तो नीचे सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे अपने होम टाउन को। तो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में। हम लोग द्वाराहाट के रास्ते नहीं जाएंगे, हम नीचे जालेली के थ्रू नीचे, जो नीचे का रास्ता है वहाँ से जाएंगे। तो रास्ते का भी थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। तो हम ले चलते हैं आपको अपने होम टाउन भिवांडेश्वर, जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ जिसको काशी कहते हैं उत्तराखंड का। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए आज अपने होम टाउन, जहां मेरा मेन घर है। रानीखेत से आगे होम टाउन है, अभी तक हम रानीखेत में थे। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं गांव में। अभी अब हमारा यहां पर 3 दिन के बाद शिवार्चन शिव पूजा होगी, उसके बीच में एक शादी भी है वो अटेंड करनी है, उसके बाद 28 को शिव पूजा। तो देखिए पहाड़ों में हमारे घर का क्या हाल है। ये मेरा पूरा घर जो है हमारा ही है, और यहाँ पर हमारी खेती, और देखिए चारों तरफ क्या मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन है। अभी दिन के 3 बजे हैं, और 3 बजे तो मस्त एकदम मौसम देखिए एकदम बढ़िया, आपको पहाड़ों की रौनक। और ये मेरी गाय जहाँ रहती थी वो घर है, बट अब गाय वाय कुछ है नहीं, तो ये सब खत्म हो चुके हैं लगभग। ये पेड़ देखिए मस्त, खेती बाड़ी हमारी, पर अब खेती कुछ होती नहीं है, कोई रहता नहीं है यहाँ, तो ये सब बंजर ही पड़ गई है सब खेत हमारे। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। हो गया शुरू क्रिकेट खेलने के लिए, तैयारी करने के लिए बैट बॉल की। बैट बॉल खेला जाएगा अभी यहाँ पर, और सामने दोनों हमारे डॉग, और देख डॉगी भी खेल रहा है। अब देखो कैसे भागेगा, ये गई खेत में गई, अब वो गई खेत में गई सीधे, तुम बिना ऐसे फेंक देते हो उसको। ये शुरू हो गया क्रिकेट, वो भी खेत पर गई। ठीक है सभी, बाद में होगा, पहले खाना वाना खाते हैं फिर होगा क्रिकेट। टेस्टिंग डन, टेस्टिंग डन हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ का माहौल। ये मेरा घर जिसको गांव में कहते हैं पुश्तैनी घर, तो ये है। और यहाँ पर हम अभी 3-4 दिन यहाँ रहेंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। वो ऊपर है सराई खेत, तो ये है मेरा गांव। मैं आपको सरायखेत दिखाता हूँ यहाँ से। वो ऊपर जो टॉप पर दिख रहा है आपको, वहाँ पर वो टॉप में है सरायखेत इंटर कॉलेज, जहाँ तक मैंने टेंथ, जहाँ पर मैंने 10th तक पढ़ा था। और उसके बाद नीचे हमारा गांव, वो गाड़पार आपको दिखा, जहाँ के घर दिख रहे हैं नीचे आपको, वो गाँव है। और इधर भी एक हिस्सा गाँव का है, और इस साइड में बहुत बड़ा है हमारा गाँव है नीचे को, जहाँ पर अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, वहाँ ही जाना पड़ेगा।
वो है। और इसके बाद बैक साइड में अगर देखो पूरा जंगल है मेरा, जहाँ खेती बाड़ी हम गाय चराने के भी जाया करते थे। तो यहाँ मैं कल आपको और सारे कोशिश करूँगा और कवर करने की बाकी चीज़ों को। अभी भी देखते हैं कहाँ कहाँ हम कल कवर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे आम का बगीचा, ये बेकार हो गया। ये देख आम, इस बार आम आ रखे हैं बहुत सारे। ये मंदिर और ये आम का पेड़, इधर भी तीन चार पेड़ उधर हैं और ऊपर आम के पेड़ हैं बहुत सारे, सब पर आम आ रखे हैं। और यहाँ देखिए इस साइड ये सारे आम, कम 25-30 पेड़ आम के हैं। देखो आम लगे हैं, आम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये आम दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे आम लगे हैं बहुत सारे। तो ऐसे आम आपको कहीं पर भी देखो, देखो इतना आम आ रखे हैं। ये देखो कितने आम आ रखे हैं इस बार। तो ये सारे आम का हमारा बगीचा है आपको। अब यहाँ पर आम होते तो हैं बट इनको हम लोग जब पकते हैं तब उस टाइम तक होते नहीं यहाँ पर। और जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। ये नीचे चाचा लोगों का घर हमारे, और ये नीचे पूरा हमारी एरिया देखिए क्या सुंदर है, मस्त। ये दो घर नीचे और हैं।